मूंग दाल कचौरियाँ बनाने के लिए मैंने आधा कटोरी मूंग की दाल ली है। इसे हमें धोकर पानी में 2 घंटे के लिए भिगो देना है। अब हमने जिस कटोरी से मूंग की दाल ली थी, आधा कटोरी मूंग की दाल ली थी, उसी कटोरी से हमें 2 कटोरी मैदा लेना है। मैंने इस चम्मच से 1 चम्मच अजवाइन ली है, 1.5 चम्मच यानी 1 और आधा चम्मच इसी चम्मच से मैंने नमक लिया है, और ये मोयन के लिए मैंने तेल लिया है। अब हमें सभी सामग्री इसमें डाल देनी है और आटा लगा लेना है। हमें इसे ढककर रख देना है और कचौरी का मसाला तैयार कर लेना है। हमारी मूंग की दाल भीग चुकी है, इसको 2 घंटे हो गए हैं। अब हमें पानी निकाल कर इसे दरदरा पीस लेना है। यहाँ अब हमारा तेल गर्म हो गया है, इसमें 1 चम्मच जीरा, 1.5 चम्मच सौंफ, अब ये सिक चुका है। इसमें मुझे 1 छोटी कटोरी बेसन डालना है। इसे हम बिल्कुल धीमी आंच पर थोड़ा सा भूनेंगे। अब इसमें 1 चम्मच धनिया पाउडर, थोड़ी सी लाल मिर्च, थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा अमचूर पाउडर, इसे डालकर हमें थोड़ी देर और भूनना है। हाँ, गरम मसाला मैं डाल रही हूँ। अब लगभग 3-4 मिनट हमें हो चुके हैं और ये फूला फूला सा बेसन हो गया है। अब इसमें हमें वही कटोरी, जो आधी कटोरी हमने मूंग दाल ली थी, उसमें 1/2 कटोरी ही हमें दही लेना है। और इसमें अब हमें ये दरदरी पिसी हुई हमारी मूंग दाल डाल देनी है। और नमक स्वाद अनुसार यहाँ मैं 1 चम्मच यूज़ कर रही हूँ। अब ये अच्छी तरह मिक्स हो चुका है, अब हमें गैस बंद कर देनी है। अब हमें इसकी छोटी छोटी लोइयाँ बनानी हैं, छोटे आकार के नींबू के जितने। अब इस लोई की हमें पूरी बना लेनी है छोटी सी। हमारी 14 लोई हुई है और उसी नाप से हमने मसाले की भी 14 लोई कर ली है। अब पूरी में हमें इस तरह मसाला भरते हुए समेट के इसे दबा देना है अच्छी तरह से, और घुमाकर वहीं लोई को दबा देना है, और फिर हमें इसे उल्टा करके बेल लेना है। तेल को गर्म करने के बाद आंच को हमें धीमी कर देना है। इसके बाद हमें 1-1 कचौरियाँ डालनी है और इसे धीमी आंच पर ही हमें तलना है। धीमी आंच पर ही हमें उल्टा पलटा कर इसे हल्की ब्राउन होने तक तलना है।
अब ये कचौरियाँ हल्की ब्राउन हो चुकी हैं, अब हमें इसे निकाल लेना है।